हालांकि इस बीच जेट एयरवेज पे जो अब 7% नीचे आ गया है। कुछ देर पहले हेमंत जब आप बात कर रहे थे कि ये स्टॉक नीचे जा रहा है, किस लेवल पर जाने के बाद इस पे सचेत होना चाहिए, अब देखिए 273-274 के लेवल आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सबके दिमाग में सवाल यही है कि क्या कुछ निकल कर आएगा। दीवान साहब, उस मीटिंग में किस चीज़ पर नजर रखनी चाहिए? फॉरेंसिक ऑडिट पर। हाँ, ऑडिट का कह रहा था शुरू में। और कंसेंसस जो जो बनेगा अगर इससे इसके बाद लेंडर्स के और एहतियात के डिमांड के बाद की लीडरशिप में चेंज आना, मतलब अब वो है, अनिवार्य है कि भाई ये तो होना ही है, इसके बाद ये आगे की चीज़ें होगी, क्योंकि ये बैड लोन अगर वो हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और जो एहतियात के जो एक्सपेक्टेशन है प्राइसिंग की कि इसमें निवेश करेंगे या टाटा की, वो करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे है, तो वो सेकेंडरी नेगोशिएशन उस पर आएगा, लेंडर्स हैव टू अग्री टू दैट प्राइस। तो मेरे हिसाब से अभी तो ये उतार चढ़ाव इसमें शुरू हुआ है। तो अहम बात वही है कि किस भाव पर दरअसल ये नहीं, आई डोंट थिंक इसमें कोई स्ट्रेंथ जल्दी आएगी। स्ट्रेंथ आएगी जब फाइनली सब कुछ हो जाता है। ये वाला सर, इसमें केवल शॉर्ट कवरिंग के चलते स्ट्रेंथ आएगी और वो शॉर्ट कवर होना चाहिए था सर, वो कैश में खींचेंगे। और देखिए, आपको तो पता है फ्यूचर में डिस्काउंट था, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट था बैन में। अब जो खबर आई है वो ये है, इतिहाद ने SBI को चिट्ठी लिखी है, खबरें आ रही 150 रुपए के आसपास की अगर कोई डील होगी तो 150 रुपए के। अब आप याद करिए, हम लोग क्या कहते हैं 300 के आसपास तो होने वाली है नहीं पर। और कोई भी इन्वेस्टर, ये देखिए ये फ्री फॉल आएगा, आज इस खबर के चलते दरअसल गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे शेयरों को आप क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं? नो नो नो, बिल्कुल नीचे मिले 150 का नहीं नहीं नहीं, इसमें खरीद क्यों, इसमें देखिए फंसना है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना है आपको अपना, बाकी चीजें हैं कमाने की, तो इसको जब उड़ान भरेगा तब देखी जाएगी। इसमें अभी क्या करना है, इसमें रह के आपको कोई कमाई इतनी खास नहीं है, नुकसान ज्यादा है, तो मतलब ये रिस्क रिवॉर्ड जिसको कहते हैं हम लोग, वो बिल्कुल नेगेटिव है आपके लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर काफी नीचे एंट्री की बात इतिहाद कर रहा है और उसका असर आप साफ तौर पे स्टॉक पे इस समय आते हुए एहतियात कह रहा है, वो अपना पैसा नया अगर डालेंगे तो 150 रुपए पर डालेंगे। ध्यान रखिए, एहतियात के पास जेट की हिस्सेदारी है। SBI कहता है कि एहतियात और पैसा डाले, एतिहाद कहता है कि मैं 150 पे डालूंगा, तो फिर शेयर का ये हाल होना ही है। इसीलिए इस शेयर से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। SBI एतिहाद कहता है SBI से कि जी आप जाइए, आप मिनिस्ट्री से, एविएशन मिनिस्ट्री से बात करिए। अब आप मुझे बताइए कि एविएशन मिनिस्ट्री से SBI ने पहले बात नहीं करी होगी या उनको संकेत नहीं मिले होंगे। तो ये वही वाली बात है, खबरें आती हैं कि भाई एतिहाद स्टेक लेगा तो शेयर चढ़ता है, फिर आती हैं कि नहीं जी वो स्टेक लेगा 150 रुपए पे, और पहले उन्होंने जिस भाव पे स्टेक लिया है उसके बाद उन्होंने हाल देखा है प्रदीप क्या हुआ है इस कंपनी का। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि 150 रुपए पे वो लेंगे, और 150 रुपए पे अगर लेंगे तो फिर यहां से तो देखिए काफ़ी डाउनसाइड रिस्क बन रहा है, इसलिए दरअसल ये शेयर नीचे आ रहा है। एतिहाद ने रिटर्न परमिशन भी मांगी है सेबी से एक्सटेंशन में, ये बहुत सारा मामला उलझने वाला है, इसको सुलझने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसा लग रहा है हेमंत कि इस समय दरअसल बैंकर्स कोशिश कर रहे हैं कि ये NPA हो रहा है तो इसको किसी तरह बचाएं, और उनकी ओर से ज़्यादा मूव लिए जा रहे हैं, जबकि इतिहाद काफ़ी दबा कर एक ऑफर दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा कम से कम कॉस्ट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं, और उनकी भी दिक्कत है क्योंकि वो भी कंपनी अपने आप में प्रेशर में है, और ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि उनके पास फ्री हैंड हो, जो अब तक इतिहाद अगर गारंटी दे दिया खरीदेगा तो ओपन ऑफर आएगा। इसमें इतने पेंच हैं, आप सोचें, और आपको नया पेंच मिलेगा, वो कहेगा जी मैं सेबी के पास जाऊंगा और सेबी मेरे को अप्रूवल दे, ऐसा हो सकता है क्या? किसी एक कंपनी के लिए एक अलग नियम अलग तरीके से सोचे जाएं, ऐसा कभी सुना है आपने? सरकारी कंपनियों के लिए हो सकता है, एक बार के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को, फॉरेन कंपनी को छूट दे दी जाए कि जी आप शेयर खरीद लें, आपका भाव, आपका हिस्सा बढ़ जाए आपको ओपन ऑफर से, मतलब ये ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे मतलब इसमें अगर आप खरीदेंगे तो आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा पैसा बनाने की। तो ये कहानी लगातार उलझती जा रही है और स्टॉक इसकी वजह से नीचे ही आता हुआ नजर आ रहा है। तो एक अहम बैठक है, पिछली बार भी जो बैठक हुई थी वहाँ पर कोई फैसला नहीं निकल पाया था पिछले हफ्ते, इस बार काफ़ी तैयारी काफ़ी कोशिश के बाद फिर से एक बैठक हो रही है, लेकिन देखिए उसके पहले ही आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे रहे हैं कि इस बैठक में भी कोई नतीजा निकलने की उम्मीद अब ना के बराबर हो चुकी है, क्योंकि 150 रुपये के आसपास के जिस वैल्यूएशन की बात की जा रही है उसके ऊपर बैंकर्स के लिए काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बैंकर्स चाहते हैं कि उनका लोन NPA ना हो, बैंकर्स चाहते हैं कि कंपनी सॉल्वेंट बनी रहे और पेमेंट आते रहें, और दरअसल बैंकर्स से भी ये उम्मीद की जा रही है, जेट एयरवेज के मैनेजमेंट की ओर से कहा गया कि आप भी कुछ कन्वर्जन करें लोन से शेयर करेंगे, तो ये काफ़ी मुश्किल है उनके लिए दरअसल ये कदम उठाना, और इस तरह के ऑफर के बीच में आप इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो नज़र बना रखेंगे हम, देखते हैं आज उस बैठक से और क्या जानकारियाँ निकल कर सामने आती है। इस बीच ये स्टॉक